मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल ओम एस्ट्रो चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज का मेरा लेसन है गैप इन हेडलाइन और ब्रेक इन हेडलाइन। सबसे पहले हम जानते हैं हेडलाइन क्या इंडिकेट करती है। हेडलाइन को हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, बुद्धि रेखा, आपके जो आपका लॉजिक माइंड है ये इंडिकेट करती है हेडलाइन। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका जो भी एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, ये हेडलाइन के द्वारा देखा जाता है। हमारे ब्रेन में लगातार एक दरिया चल रहा है थॉट्स का, एक दरिया चल रहा है विचारों का। उसका कहां से अनुमान लगाया जाता है, आपकी हेडलाइन। हेडलाइन कहां पर है, ये आपकी हेडलाइन है, दिस इज हेडलाइन। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। इस मस्तिष्क रेखा से हम अपने माइंड के अंदर होने वाले विचारों को देखते हैं। ये हमारी मस्तिष्क रेखा जिस पर्वत की ओर जाती है उसके गुण ले लेती है। यदि ये चंद्र पर्वत की ओर गई तो आपके अंदर इंट्यूशन ज्यादा होगे, आप ज्यादा सोचने वाले होंगे, हर चीज को ज्यादा एनालिटिक करने वाले होंगे, आप रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, आप ऑब्सेसिव बैमी किस्म के आदमी भी हो सकते हैं। यदि ये लाइन जहां से शुरू हुई जहां तक गए ये बेस्ट किस्म की होती है। आदमी के अंदर कंफ्यूजन्स कम होती है, आदमी प्रैक्टिकल होता है, जिस पर्वत की ओर भी जाती है इसका गुण ले लेती है। यदि ये शॉर्ट है तो आप कम प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये हमें अपने थॉट्स का माइंड लाइन के द्वारा ही विचार करते हैं। अब आता है कि हमारी माइंड लाइन में ग्रैप है या टूटी हुई है या ओवरलैप है, इससे हमें क्या। ये मेरा प्रोग्राम उन सभी भाई बंधुओं के लिए है जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मैं दुनिया के हर आदमी को सरल से सरल तरीके से पामिस्ट्री सिखा सकूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप एक अच्छे पामिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो इसको एंड तक जरूर देखें। गैप का मतलब है आपके ये माइंड लाइन है और जहां पर गैप आ गया। ये गैप हमने देखना है किस एज में आ रहा है। हम जहां से शुरू करेंगे जे एज आपके बृहस्पति मून के नीचे तक 20, जहां पर आपके अप टू द एज ऑफ 40, इस तरह आगे दिस इज एज ऑफ 60, जहां से हमने एज की कैलकुलेशन करनी है। जिस पीरियड में जे गैप बन रहा है वो पीरियड क्या इंडिकेट कर रहा है, बिजनेस में हानि, आपका बिहेवियर, आपका माइंड उस वक्त क्या करेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेने वाले बन जाएंगे, आपका बिहेवियर अनटॉवर्ड होगा, आपको रिलेशन के केयरिंग नहीं रहेंगी। मैंने कल ही एक लेडीज का पाम देखा, उसके हेडलाइन में गैप था इस पीरियड में। तो जानते हो क्या हुआ, डाइवोर्स टू टाइम, दो बार तलाक। ये गैप आपका स्थान परिवर्तन, आपकी नौकरी का जाना, आपके बिजनेस में लॉस, आपके मेंटल ल्यूशंस, आपको डिप्रेशंस, हेलुसिनेशन, जी सब प्रॉब्लम देता है, माइंड से रिलेटिंग प्रॉब्लम। योर बिहेवियर इज अनटॉवर्ड।
आप क्या बोल जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा आपका भी नहीं पता लगेगा, आप जिंदगी में गलत डिसीजन लेने वाले होंगे। ये गैप का पीरियड देखना है, यदि गैप जितना है उस पीरियड में क्या करें ताकि हम इसके साइड इफेक्ट से बच सकें, इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे। भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। जरूरी नहीं कि महामृत्युंजय का पाठ किसी से कराया जाए, हरिओम नमः शिवाय का जाप खुद ही करें। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर हमने चार चार बार महामृत्युंजय पाठ किया, हमारे तो घर के जेवर भी बेगे। सो मैं अपने सभी भाई बंधुओं से अनुरोध करता हूं वो खुद हरिओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे इतनी अच्छी वाइब्रेशन जो पैदा होती है ये हमारे माइंड को भी फ्रेश करती है, हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है और इससे गैप भी ठीक होते हैं। मैंने गैप्स को भी ठीक होते देखा है, इसके असर को कम होता देता है। भगवान शिव में और मेडिटेशन में इतनी ताकत है। बी पॉजिटिव। यदि जी आपके माइंड लाइन ऐसी है जी ओवरलैप कर रही है, ओवरलैपिंग ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि आपने अपना काम बदला फॉर द बेटरमेंट, इससे आपको फायदा हुआ। जहां आपने कोई स्थान परिवर्तन किया उससे आपको फायदा हुआ। इसमें कुछ भी मेंटल इश्यूज नहीं हुई, डिप्रेशन, स्ट्रेस या अनएक्सपेक्टेड आपका बिहेवियर नहीं हुआ। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू वॉच योर पाम। हम अपने पाम को देखें, उसे गाइडलाइंस लें। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी पर्सनैलिटी को पहचाने, दूसरों की पर्सनैलिटी को पहचाने और अनटूवर्ड जो थिंग्स हमारे साथ होने वाली हैं उससे हम बच सकें। मुझे प्रेरणा मिली उस लेडी का हाथ देखकर कि मैं ताकि एक ऐसी वीडियो डालूं ताकि मैं समाज को कुछ बता सकूं, समाज को समझा सकूं जिसमें लाइंस में कितनी पावर है और हम पामिस्ट्री का किस तरीके से इसका फायदा ले। मैं चाहता हूं दुनिया का हर आदमी एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री सीखे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।